कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास की शुरुआत होगी। कोयला समेत कई खनिजों में ई ट्रांजिट पास शुरू होगा। कांग्रेस सरकार ने ऑनलाइन इसे मैनुअल कर दिया था ऑनलाइन की जगह, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार की मैनुअल प्रक्रिया की ईडी जांच हो रही है। अब ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजिट पास की व्यवस्था होगी। ऑनलाइन पास शुरू होने पर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा वो आपको बता दें। ना गड़बड़ होगा, ना घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में अब ईमानदारी का बोलबाला होगा। तो खनिजों के परिवहन में आएगी पारदर्शिता, राजस्व बढ़ेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा हमारा छत्तीसगढ़, ऐसा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। ई ट्रांजिट पास अब एक बार फिर से शुरू होगा। कोयला समेत कई खनिजों में ई ट्रांजिट पास शुरू किया जाएगा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ई ट्रांजिट पास की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ इस पूरी मायने हैं और जिस तरीके से अब पूरी जांच पड़ताल भी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, कोल परिवहन का पिछली सरकार ने सिस्टम ऑनलाइन से हटाकर मैनुअल कर दिया था। पिछली सरकार का दावा था कि अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है, लेकिन इस मामले में घोटाले के आरोप भी लगे थे और ईडी ने जांच भी किया था। अब इस व्यवस्था में एक बार फिर से बदलाव किया गया। कोल परिवहन की जो प्रक्रिया है वो एक ट्रांजिट पास के माध्यम से होगी। इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसमें पारदर्शिता की बात कही है। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया से गड़बड़ घोटाला नहीं होगा और छत्तीसगढ़ सरकार ईमानदारी से जो है वो इस काम को आगे बढ़ाएगी। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता आएगी। इस मामले में बता दें कि ईडी की जांच के दौरान कई जो अफसर हैं वो उनको जेल भी जाना पड़ा था, तो कई जो कार्रवाइयां हैं वो भी देखने मिली थी। ऐसे में पारदर्शिता आएगी और इस प्रक्रिया से राजस्व बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही थी। जी, तो इस प्रक्रिया से अब राजस्व बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।